मैंने दो अशकाल लिखी गई हैं आपके सामने। अब ये बगैर नुकों के आप इसको कोई भी लफ्ज नहीं बना सकते, ये सिर्फ और सिर्फ अशकाल है। जैसे ही इनके साथ डॉट्स लगेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लफ्ज में, ठीक है, अल्फाज बन जाएंगे। जैसा कि यहाँ बे और नून, तो ये क्या लफ्ज़ बन गया, बिन, ठीक है। इसी तरह ये मैं आपके सामने लगा देता हूँ डॉट, इसी तरह अगर हम इसके साथ नून लगा देते हैं तो ये अब अल्फाज में कन्वर्ट हो चुके हैं, बिन और नद, ठीक है, नदी जैसे लफ्ज़ है। तो जैसे लफ्ज़ दीन है उसके अंदर ये शेप का इस्तेमाल होता है। ये आपको लिखवाने का मतलब ये है कि उर्दू के अंदर इनका इस्तेमाल अक्सरियत से है, तो अगर हमारी यही अशकाल दुरुस्त हो जाए तो इनसे बनने वाले तमाम अल्फाज खूबसूरत प्यार हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इन दोनों शक्लों की प्रैक्टिस करनी है, ना कि हमने कोई अल्फाज बनाने हैं। सबसे पहले इनकी हम अशकाल का जो है वो सामना करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, देन उनके साथ हम अल्फाज जो है वो कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि ये देखिए, इस शेप को समझने की कोशिश करें कि ये शेप, ये तो ये नोक नज़र आएगी और सेकंड नोक नज़र नहीं आएगी। ये साथ हमने ये देखिए गुलाई लगा दी, तो ये हमने पहली शेप का इस्तेमाल किया। दोबारा देखें, ये नोक नज़र आएगी, सेकंड वाली नोक नज़र नहीं आएगी। गुलाई, गुलाई का पहला सिरा बड़ा और दूसरा छोटा, ये इसका असूल है। तो सबसे पहले हम इसकी अशकाल तैयार कर लेते हैं। ये दोबारा देखें, सबसे पहले हमें इसकी ये शक्ल लिखनी होगी। ये क्लास में बच्चों को सबसे पहले जो इनके इनसे अल्फाज बनते हैं उनसे पहले पहले आपने इनकी अशकाल की प्रैक्टिस करवानी है, ताकि उनको अंदाज़ा हो सके कि इसकी एक तो शेप कैसे लिखनी है, सेकेंडली इनसे अल्फाज किस तरह से बन सकते हैं, तरीकाकार क्या है उसका। इसी तरह सेकेंड इस शेप को लिख लेते हैं, ये ज़रा चेक करें। एक तो इसकी ये पहली शक्ल छोटी है और सेकंड वाली बड़ी है, ये चेक करें। यानी कि हम इसको आम रूटीन में यूं बराबर लिख रहे होते हैं, यूं, जिससे वो लफ्ज़ की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह इसकी शक्ल भी हम दोनों सिरे यूं लिख रहे होते हैं, जिससे इसकी भी शक्ल गलत हो जाती है। इसी तरह पहले हमें इसको समझना है, ये देख लें कि ये वैसे सिंगल में रे है, मगर ये जैसे ही किसी लफ्ज के साथ ऐड हो जाता है तो ये दाल की अल्फाज जो इसकी प्रोनंसिएशन है वो दाल वाली होगी और शक्ल कौन सी होगी, रे वाली होगी। तो ये दोबारा देखें जरा, ये इसकी शक्ल चेक कर लें। सबसे पहले हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ये वही दाल वही रे, नीचे से हमने इसको क्या करना है, स्लिप करना है। इन दोनों अशकाल की समझ आई आपको? सबसे पहले हमने इसकी क्या बनाई, अशकाल बनाई। पहले इसके साथ हमने लगाया दाल, दो नुक्ते लगाए और ये नून, क्या लफ्ज बन गया, बोलिएगा, दीन। इसी तरह यहाँ हमने सिर्फ मीम की शक्ल ऐड की तो ये क्या तैयार हो गया, मे और मैं। ये देखें, ये क्या तैयार हो गया, है वो मैं और ये है। इसी तरह ये क्या लफ्ज बन गया, बोलिएगा, नहीं। इसी तरह ओनली जो है बिन, और अगर इसके साथ हम अलिफ लगा दें तो
इब्ने, यानी कि इब्ने आदम, इब्ने जितने भी अल्फाज हैं वो इसी से ही बनेंगे। इसी तरह ये इसके साथ हमने क्या ऐड किया, काफ, ये नून और इसके साथ हमने रे लगा दिया, तो ये क्या बन गया, रुकन। ये जस्ट मैंने आपको हिंट दिया है कि ये हमें उर्दू में ये शेप कितना जो है वो इस्तेमाल में हमारे आती है, मगर शेप दुरुस्त ना होने की वजह से इन अल्फाजों की जो खूबसूरती है वो इस्तेमाल हो जाती है। तो इसी तरह ये देखें, ये क्या लफ्ज़ बन गया, बद, क्या लफ्ज़, बद। इसी तरह ये क्या लफ्ज़ बन गया, बोलिएगा क्या बन गया, बोलिएगा बदल। जी क्या लफ्ज़ बन गया, बदल। ये क्या लफ्ज़ बन गया, ये क्या लफ्ज़ बन गया, बोलिएगा जी क्या लफ्ज़ बनाइए, बोलिएगा। ये क्या लफ्ज़ बना जी, ये क्या लफ्ज़ बन गया। अब ये तो सिर्फ चंद अल्फाज हैं जो हमने इसकी मदद से बनाए हैं, अब बहुत सारे अल्फाज हैं आ जाए सामने। जैसा कि ये शेप हमने बनाई थी, इसी को दोबारा जो है ना रिपीट कर लेते हैं। अब इसके साथ हमने फिर काफ लगा दिया, तो ये क्या लफ्ज़ बन गया, बोलिएगा गिन, क्या लफ्ज़ बन गया। इसी के साथ फिर देखें, ये वही शेप ये हमने तैयार कर ली, इसके साथ फिर हमने काफ जोड़ दिया, काफ की मुकम्मल शक्ल, तो फिर ये क्या बन गया, गिन। अब बोलिएगा मगन, क्या लफ्ज़ बन गया, मगन। इसी से फिर ये शेप बना लेते हैं, ये देखें ये क्या बन गया, बोलिएगा लफ्ज़ तुम्हें भी इसी से बनेगा। बहुत सारे अल्फाज हैं जो फिर इन्हीं की मदद से बनेंगे, तो आई होपफुली कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होनी है। तो कम से कम आप इसके 50-50, 100-100 अल्फाज ढूंढें इन अशकाल के। ये सिर्फ आपको हिंट के तौर पे बताया गया है ताकि आपको जो है उर्दू में जब भी ये शेप लिखी जाए तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये वही दो शेप्स हैं जिनको हमने अलग-अलग से प्रैक्टिस की थी और उनके साथ मॉडिफिकेशन करनी है। जज़ाकअल्लाह।